बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पौराणिक एक कथा आती है कि हनुमान जी जो हैं वो सूर्य भगवान के शिष्य हैं और शनि जो हैं वो सूर्य भगवान के पुत्र हैं। सूर्य देव ने हनुमान जी को कहा कि शनि को समझाओ, शनि को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे समझाऊं, सबको परेशान ना किया करे। अब हनुमान जी शनि को समझाने गए तो शनि तो मानने वाले थे नहीं, उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करने की बात सोच ली और युद्ध करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में बांधा और पटकते रहे, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, हर जगह पटकते रहे। बहुत चोट आई शनि को और जब शनि पीड़ा से लहूलुहान हो गए, बुरा हाल हो गया, तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की, क्षमा मांगी और हनुमान जी से सरसों का तेल मांगा अपने घावों पर लगाने के लिए। तब से शनि की पूजा में सरसों के तेल का प्रयोग शुरू हो गया और शनिदेव को जब इतनी चोट लगी, इतनी दिक्कत हुई, तो शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो कोई भी आपकी पूजा उपासना करेगा, जो कोई भी आपका भक्त होगा, आपकी शरण में रहेगा, उसे मैं कदापि परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद से ये परंपरा शुरू हो गई कि अगर शनि संबंधी कोई बाधा है, कोई पीड़ा है, तो हनुमान जी की पूजा से और हनुमान जी के दर्शन से उसमें लाभ होता है। जैसे अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो या शनि की बुरी दशा चल रही हो, तो आपको शनि के लिए जो उपाय करने हैं वो तो आप करते रहिए, लेकिन हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि शनि संबंधी बाधाएं मेरी दूर हो जाएं, तो निश्चित रूप से शनि से जुड़ी हुई जो भी बाधा है, जो भी पीड़ा है, वो पीड़ा आपकी दूर हो जाएगी।